सबसे पहले तो पक्षियों का चहचहाना सुनिए। पपीहा, चिड़िया, मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग सुनो। तो ये पक्षी बोल रहे हैं सुबह सुबह, और देखो आज किस तरह का बादल है। और यहाँ पे ना ये देखो, ये मक्की नींदनी थी, मैंने घास काट दी है इनका। अब रबी का जो पहले लगाई थी अरबी ना, उसके पत्ते अब देखो, पहले घास था ना तब नहीं दिखता था, अब मैंने घास निकाल दिया। अब इनको ना थोड़ी थोड़ी निंदाई भी करनी है इनकी, और यहाँ सेज भी फेंकनी है। ये बहुत इकट्ठा हो गया है, यहाँ पे पानी आता है। और ये देखो लूंगे आ गए, मैं आपको दिखाती हूँ, बीच में नहीं जाना वैसे। अदरक की लूंगा, ये हल्दी की है, ये देखो ये हल्दी की है। और यहाँ आई थी कहीं अदरक की, कल मेरे को दिखी थी, अब पता नहीं कहाँ है। साइड में हो जाओ, नहीं टूट जाएगी, है ना। देखो इधर, और यहाँ पे ना मक्की उग गई, जो यहाँ पे मक्की लगाई थी ना मैंने, ये देखो मूली के बीज भी गिरे हैं ना, वो भी उग रहे हैं अपने यहाँ पे। ये देखो ये मूली के बीज थे, और यहाँ पे ये मक्की ना थोड़े दिनों बाद बहुत अच्छी चल पड़ेगी। अब ना लेंटर के ऊपर चलते हैं, मेरा बिंदु गंज। अरे मैं लेंटर से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, और लोग ना खेतों में आ चुके हैं। और यहाँ टमाटर एक एक पौधा है ना टमाटर का, एक पौधा है टमाटर का, उसमें दो टमाटर लगे हैं। चाय पीते हैं, नहीं कप चाय के दूध देने। कौन बैठा है देखो, बाबू जी बैठा है। हाँ बबू नमस्ते कर लो, चलो नमस्ते करो बेटा, करो सबको, सब देख रहे हैं आपको, कितने सारे लोग। देखो तो कैसे टाल रहा है मेरे को, देखो तो नमस्ते जो जी, नमस्ते नहीं करनी, टाल रहा है, कर लो नमस्ते, नहीं करनी आज, उल्टा तेरा जो जी कर लो नमस्ते। आओ नहीं तेरी मम्मी, तेरी मैं नहीं तेरी मम्मा, करो नमस्ते, कर ले बेटी, कर जो जी बाय, हम चली जाओ, मैं तेरे को लेके नहीं जाऊंगा। नमस्ते करो, चलो नमस्ते करता हूँ, करो नमस्ते, ये देखो इसकी हरकतें देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, कर दी ये देखो, नमस्ते हो रही, वेरी गुड, ले जाऊंगी अपने बच्चे, आ जाओ ऊपर, आ जा। लोग ना ऊपर आ चुके अपना खेत जोतने, यहाँ जैसे हैं कहीं। आप दिखाती हो पूरा बादल किस तरह का। हाँ जी ये देखो, हाँ जी, तो ये देखो आसपास का व्यू यहाँ से। हाँ अच्छा, ठंडी ठंडी हवा चल पड़ती है सुबह सुबह, और आज कुछ लगता है कि बारिश भी हो सकती है। तो यहाँ पे फिर ये चाय बना रहे हैं, और उसके बाद मैं ना दूध डालूंगी बाल्टी में, फिर दूध देने चले जाएंगे, फिर उसके बाद मैं भी घास को निकल जाऊंगी। और ये डब्बा कितने दिनों से यहाँ पे रखा हुआ है, इसको कोई उठा नहीं रहा,
और ये कपड़े ना बहुत अच्छे हैं पहनने के लिए, बहुत फ्लेक्सिबल हैं। और पर पता है क्या, इनकी एक दिक्कत है, सारा कूड़ा कबाड़ इनमें आके फंस जाता है, और फिर ये ना धूल भी जल्दी बैठती है, फिर ये गंदे से लगते हैं एक दिन में। और ये डाल दिया मैंने दूध आजकल ना, थोड़ा सा दूध आजकल लगा जाने, अब इसकी पेमेंट आएगी अगले महीने। तो बस तो खुशी होती है कि चलो, क्योंकि गाय का दूध हम 21-22 दिन बाद लगा सकते हैं, जो ताज़ा सूई हुई गाय होती है ना, तो उसका दूध लेट लगाते हैं, तो फिर हमने लेट ही लगाया 18-20 दिन ऐसे ही इतने दिनों बाद। तो थोड़ा सा ये हो गया, कुछ मैंने घर के लिए रख दिया, इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ढक्कन, और फिर हम पियेंगे चाय। ये नहीं है तो होर ते क्या दूजे दूध होते से करना, तो अभी बनाई चाह चाय बनाने को बोले थे इनको, है ना, नींबू गला पहले ही खराब है। और पता है कुर्सियाँ सारी टूट गई, मेरे को ना जाना है कहीं, तो मेरे को कुर्सियाँ लेके आनी है, क्योंकि जब यहाँ बैठना होता है ना, ये तो बड़ा ऐसा नहीं, यहाँ पे चेयर पे बैठने का बड़ा मज़ा आता है, और सामने का व्यू जो है वो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से ये देखो, हाँ जी मांगपुर जाना, तार जाना माँ के लगो चाय, तो चाय पी लेते हैं। और तीन कुर्सियां तो अभी अभी कुछ हवा से टूटी, और कुछ जो है इन्होंने तोड़ दी बैठ बैठ के, बैठते थोड़ी नहीं है, लेटते हैं, इस तरह से लेट जाते हैं ना पे बस। और सुबह सुबह का ही अभी टाइम है, चीनी तो आई नहीं थे शानू को ना, मेरे को रात को पता है इतनी नींद लगी थी, मैं सो गई थी, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि शानू को मैंने वो गरारे वगैरह करवाने थे, मेरे को बिल्कुल अपने आप ये करते नहीं है, भी चलो अपने आप ही कर दो, नहीं ऐसा नहीं उनका ऐसा होता। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घास को, वो देखो इन्हें पापा के हाथ में दराटी। तो आज पता हम कहाँ हैं, यहाँ था हमारा पहले घर बनाने का प्लान, इस जगह पे था, पर यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा होना था, तो हमने यहाँ पे नहीं बनाया, ताकि यहाँ से भी बहुत, यहाँ से तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है ना, बहुत ही। मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बिल्कुल जहाँ पे पहले गाड़ियाँ खड़ी होती थी ये जगह वहीं पे है। और आसपास अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो, ये देखो, जो जो यहाँ पे लेटा है, तो आसपास मतलब बहुत प्यारा व्यू था यहाँ से। और ये हमारी जगह, काफी सारी जगह है, ये नीचे रोड है, साथ में रोड से ऊपर हमारी लग गई सारी, और ये इधर को और इधर को चले जाओ ऊपर तक, यहाँ पे बहुत अच्छा घर बनना था, काउचेड भी यहीं पे आ जानी थी, साइड में आ जानी थी बड़ी आराम से, और क्यारियां भी बन जानी थी, एक आधी मिट्टी वगैरह यहाँ से उठनी थी ना, तो क्यारियां भी बन जानी थी, और ऊपर तक जो चील का पेड़ दिख रहा है यहाँ तक हमारी है। तो थोड़ा अगर कभी भगवान ने मौका दिया तो हम यहाँ पे जरूर घर बनाएंगे, यहाँ पे मेरी बड़ी इच्छा थी यहाँ पे रहने की सच में। चलो जब तक मैं उठूंगी ना, तब तक ये ऐसे देखते रहेंगे यहाँ पे, ये देखो खड़े हैं, मैं तब से देखो रे, मैं बोल रही हूँ काटो घास, ये है मेरी दराती, आओ चेंज कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आज पटो आज पटो मेरी दराटे यहाँ पड़ाऊंगा सर था। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे ये देखो, ये सारी जगह यहाँ पे ना, ये सारी हमारी यहाँ पे था हमारा घर बनाने का प्लान। तो ये देखो अभी ना, अभी ना कि ये ना, ये दराटी कल की लेके आया है कोई, ये नहीं पड़ाई है, तो इसको मैं इस तरह से पढ़ाऊंगी, तेज धार करेगी यार, यहाँ नहीं होगी तेज धार, मेरे को लग नहीं रहा, यहाँ उधर घास के बीच में हम किस तरह से बैठते हैं ना, बोलिए।
देखी कुछ तितनी तो नहीं हुई है ना, चलती रहो। तितनी तो नहीं हुई पर कुछ हुई है। चलो दूध की बात ठीक है, प्रकाश चले एक कोई तो चलिए। अभी मैं घास काट लेती हूँ। ऐसे ब्लॉग बनाती थी मैं पहले, मैं देख रही थी अपने पुराने वीडियो, उन लोग उनको आप बहुत पसंद करते थे। वो क्या होता है ना कि सच बता रही हूँ मैं, पहले के जोश भी था, काम मतलब थकान नहीं होती थी। आज से 4 साल पहले शरीर कुछ और था, और अब ना बहुत फ़र्क पड़ गया है। एक आलसपन सा रहता है, कौन उठाए, ये काम भी रह जाएगा, फिर ये भी करना है। अच्छा फिर सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, घर वाले इस चीज़ को नहीं समझते। मतलब ऐसा नहीं है बुरे नहीं है, लेकिन उनको यूट्यूब का काम एक मामूली, इतना करने के बाद भी ना उनको ये लगता है कि ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से ना ये कभी ऐसा, अगर मेरे को ऐसा बोल देना कि तू चल जैसे कुकिंग की वीडियो बनाऊँ कि तू चल वीडियो बना ले हम फनाला काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। मेरे को और काम बराबर करना पड़ता है। फिर उस वजह से ना मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। क्योंकि देखो मैं रात दिन अपने परिवार के साथ रहती हूँ, उनके लिए ही कमा रही हूँ जो भी कर रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मेरे को कभी नहीं बोलते तू आज वीडियो शूट कर ले, या आज किया नहीं तूने, क्या डालेगी तू, 2 चैनल है तेरे, या हम बोलते हैं कुछ, हम कैमरा उठाते, कभी भी नहीं। तो ना थोड़ा सा फिर बंदे का माइंड ऐसा हो जाता है कि यार कि मैं किसके लिए बना रही हूँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ना दुख होता है, सच्ची बता रही हूँ। या तो कुकिंग की वीडियो के लिए बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए टाइम कहाँ से लाना। मेरे को बराबर काम करना पड़ता है, घास काटना, खेतों का करना, पशुओं का करना, बर्तन धोने, रोटी बनानी, बिस्तरे करने, झाड़ू पोछा, सब कुछ मेरे को अकेले को करना पड़ता है, फिर भी मैं खुश रहती हूँ। ठीक है तो ये देखो यहाँ पर डांस हो रहा था, ऐसे ही डांस कर रही थी पूला उठा के ऐसे। चलो मैंने कहा थंबनेल के लिए हो जाएगा। नहीं बहुत प्यारा सा व्यू है यहाँ से, और बहुत प्यारी सी जगह है यहाँ पे, तो आप लोग मजे करिए और खुश रहिए। बाकी ये देखो दाल खा रही हूँ मैं, अब मैं आपको ना सीधा मिलूंगी घर जाके। देखो ऊपर मैंने बोधू किया हुआ है, गर्मी लगती है ना तो अच्छा, पीछे जूड़ा करूं तो यहाँ पे दर्द लगती है, बस ये प्रॉब्लम है। तो दोगे मेरे को टाइम, दोगे आप वीडियो बनाने के लिए पूरा टाइम है। ये बराबर काम करवाते हैं मेरे से, मजाक नहीं। ये काम कर, मैं ये नहीं की, मैंने ये किया तू ये कर, फिर मैं वीडियो कब बनाऊं बताओ आप। और मैं इतने दिनों से बोल रही हूँ ना मेरे को मिट्टी बना दो, मैंने चूल्हा बनाना है छोटा सा, उसको मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ टाइलों के ऊपर, यहाँ पे मिट्टी का होगा ना, ऊपर लेंटर के ऊपर भी कुकिंग कर सकते हैं, जहाँ मन किया वहाँ को ले गए उसको, नीचे मन किया तो नीचे ले गए। पर अकेले से नहीं होता, अब नहीं होता। मैं इन सब के लिए कर रही हूँ, इन सब के लिए किया मैंने परिवार के लिए। अब मेरे से कैमरा पकड़ने की दिक्कत, और फिर मैं थक जाती हूँ, फिर मैं सच्ची बोल रही हूँ मैं बहुत थक जाती हूँ कि अब एडिटिंग कैसे करूँ, शूट कैसे करूँ, फिर मुश्किल हो जाती है, इमोशनल हो गई बोलते बोलते। दुख होता है ना जब हम जिनके लिए हम करते हैं ना, अगर वही हमारी हेल्प ना करे, वही हमारा साथ ना दे, तो कितना बुरा लगता है। हाँ जी जी, कुछ कहना चाहोगे इस बात में? हाँ जी, क्या बोलना चाहोगे? क्यों नहीं मेरे को टाइम दिया जाता वीडियो बनाने के लिए? पूरा समय दिया जाएगा आज के बाद। उठ गए इनको बोलो भी बात करनी पड़ेगी, 4 साल हो गए मेरे को अकेले कभी कैमरे पे नहीं आते। अब आज के बाद इकल्ले, मतलब सब ना अपना अपना अकल्ला अकल्ला। मैंने एक दिन ना मैं एक वीडियो देख रही थी ना, वहाँ पे ना सबसे पहले वो भाई उठाता है फोन, उसके बाद उसकी मम्मी पापा अलग अलग फोन उठाएंगे, हेलो हाय मैं ये आज के व्लॉग की शुरुआत ही कर रहे हैं वो कर, ये कोई भी नहीं उठाते, फिर थोड़ा सा ना दुख होता है मन को। चलो जय माता दी, मिलूंगी मैं आपको, लेकिन इनको बोलना कि गौर करें इन बातों पे। कड़वी हूँ, बहुत कड़वी हूँ, लेकिन दिल की बहुत साफ हूँ। सही बात। इधर देखो, देखो मूछ पा रहे, क्या ब्लॉगिंग करी इन्होंने, इधर देखो। चलो ठीक है, जय माता दी।